एल आर सेल्स आइडेंटिफाइड फोर ऑफ ग्रुप का चार तरह के ग्रुप आइडेंटिफाइड किए थे इन द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन प्रेशर टैक्टिक्स द अब एक चीज हमें समझनी पड़ेगी जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप बनता है तो उस ग्रुप का कहीं ना कहीं कुछ ऑब्जेक्टिव होता है ज्यादातर जो ग्रुप्स बनते हैं वो कही न कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पे किसी ना किसी तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं या फिर वो अपने राइट के लिए लड़ने की कोशिश करते हैं और उसके लिए उन्हें कभी ना कभी मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना पड़ता है अब वो प्रेशर किस तरह का बना पाते हैं या नहीं बना पाते उसी के बेसिस पे सेल्स ने चार तरह के ग्रुप्स की बात की और वो चार ग्रुप्स द फर्स्ट ग्रुप वाज कॉल्ड एज ग्रुप्स द सेकंड वन वाज कॉल्ड एज इराटिक ग्रुप्स थर्ड वन वाज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स एंड द फोर्थ वन वॉज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव ग्रुप्स तो ये चार तरह के ग्रुप्स थे करके इन सबके बारे में बात करते हैं लेट्स टॉक अबाउट द ग्रुप्स ये वो ग्रुप्स होते हैं जो रिलेटिवली

यहां पे कोई एक्सेप्टेड लीडर नहीं होता कोई फॉर्मल लीडर नहीं होता और इसी वजह से हमेशा इस तरह के ग्रुप में लीडरशिप क्राइसिस बनी रहती है दिस ग्रुप्स आर कम्पोज ऑफ रिलेटिवली लो पेड एंड लो स्किल्ड असेंबली लाइन वर्कर्स अब सवाल ये उठता है कि ये प्रेशर क्यों नहीं बना पाते या ये प्रेशर टैक्टिक्स क्यों नहीं यूज कर पाते उसका रीजन क्या है ये वो ग्रुप होता है जो काफी लेस पेड है और लो स्किल्ड वर्कर है मतलब असेंबली लाइन वर्कर है ज्यादातर जो ये होते हैं ये कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं तो जो लोग कॉन्ट्रेक्चुअल हैं वो ऑब्वियसली उनके पास इतने राइट ही नहीं है कि वो अपने प्रेशर टैक्टिक्स को यूज कर पाए एंड दैट इज द रीजन वाई ये ग्रुप कभी भी मैनेजमेंट पे इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाता दीज वर्कर्स लैक यूनिटी ये डिफरेंट डिफरेंट जगह से आते हैं इसलिए इनकी यूनिटी भी कमजोर होती है दे लैक पावर ऑल्सो इनके पास पावर भी नहीं है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर एंड हार्डली एवर यूज एनी काइंड ऑफ प्रेशर टैक्टिक्स जैसे मैंने आपको बताया कि ये कभी भी कोई बहुत ज्यादा प्रेशर टैक्टिक्स यूज नहीं कर पाते

उत्तेजित हो जाते हैं या कभी भी ये नीचे ठंडे हो जाते हैं एंड दैट इज द रीजन वाई देट है इस ग्रुप में नहीं होता समटाइम्स शो एंटेगोनिज्म मैनेजमेंट वाइल ऑन द अदर ओकेजन दे कोऑपरेटिव तो कहने का मतलब है कभी कभी ये मैनेजमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट हो जाते हैं और कभी कभी ये मैनेजमेंट के साथ बिल्कुल कोऑपरेट करने लग जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि इनको किस तरह का फायदा उस

डिस्प्ले कंसडरेबल यूनिटी इसमें ठीक ठाक यूनिटी होती है एंड बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट दियर बिहेवियर क्योंकि ये किस समय कैसा बिहेव करेंगे यह कहना बड़ा मुश्किल है एंड दैट इज द रीजन वाई इराटिक ग्रुप जो होता है वो किसी भी टाइम आपके अगेंस्ट हो सकता है किसी भी टाइम आपका सपोर्ट कर सकता है लेट अबाउट द थर्ड ग्रुप एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिक ग्रुप अब स्ट्रैटेजिक ग्रुप में क्या होता है द मेंबर ऑफ सच ग्रुप आर एबल टू प्रिपेयर अ स्ट्रैटेजी फॉर पुटिंग प्रेशर ऑन अदर ग्रुप एंड मैनेजमेंट अब ये वो ग्रुप होता है जो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी बनाकर मैनेजमेंट को प्रेशर में रखने की कोशिश करता है या किसी और ग्रुप को भी ये प्रेशराइज कर सकता है मेंबर्स ऑफ सच ग्रुप आर जनरली परफॉर्मिंग टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंट जॉब्स जनरली जो होते हैं इस ग्रुप के वो काफी इंडिपेंडेंट जॉब्स कर रहे होते हैं टेक्नोलॉजिकली काफी साउंड होते हैं अब ये ज्यादा बेटर प्लेसमेंट जॉब में होते हैं मोस्टली मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि स्ट्रेटेजिक ग्रुप का पार्ट होते हैं इट इज डिफिकल्ट टू अप्लाई एग्जैक्ट टाइम स्टैंडर्ड्स फॉर जजिंग देर परफॉर्मेंस एज their jobs are such in nature that personal judgment matters. Different different job का nature है एंड दैट इज द रीजन वाई आप उनको एक पर्टिकुलर बैरोमीटर के बेसिस पर आप उनको जज नहीं कर सकते आपको इंडिविजुअली उनके परफॉर्मेंस को जज करना पड़ जाता है कोई प्रोडक्शन का मैनेजर है कोई मार्केटिंग का मैनेजर है कोई फाइनेंस का मैनेजर है तो इस तरह से आपको कहीं ना कहीं उनको इंडिपेंडेंटली जज करना पड़ेगा दे कैन नॉट बी कैटेगराइज एज वन राइट हाईली यूनाइटेड एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन यूनियन एक्टिविटी ये काफी एक्टिवेटेड होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूनाइटेड होते हैं और इनको पता होता है कि मैनेजमेंट की कमजोरिया कहां पर है और कैसे उन पर प्रेशर बनाया जा सकता है द कीप ऑन कीप अंटिन्यूस प्रेशर ऑन मैनेजमेंट एंड दैट इज द रीजन वाई मैनेजमेंट पर कंटिन्यूअस प्रेशर आपको स्ट्रेटेजिक ग्रुप से देखने को मिलता है फोर्थ वन एंड दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव ग्रुप्स कंजर्वेटिव ग्रुप्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं इजेशन में, में जो सबसे टॉप नॉच प्रोफेशनल होते हैं या हाईली स्किल्ड इंप्लॉइज होते हैं वो कंजर्वेटिव ग्रुप का पार्ट होते हैं हाईर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट में आपको देखने को मिलेंगे द डिस्प्ले कंसिडरेबल सेन्फिडेंस में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है दे वर्क ऑन देयर ओन एंड द नेचर ऑफ देयर जॉब इज सच दैट दे कैन शट डाउन द प्लांट इफ दे डिजायर एक सबसे बड़ी चीज होती है कि इनके पास पावर भी लाई करती है इनको मैनेजमेंट के बारे में काफी कुछ पता होता है और कई बार ये अपने पावर को यूज करके किसी भी प्लांट को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बंद भी करवा सकते हैं इतना पावर ये कंजर्वेटिव ग्रुप होल्ड करता है सच ग्रुप एक्सरसाइज रिस्ट्रेंड प्रेशर फॉर हाईली स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव एंड डिस्प्ले मॉडरेट इंटरनल यूनिटी एंड सेल्फ एश्योरेंस दो तीन चीज यहां पे खास हैं पहली बात ये तभी एक्टिवेट होते हैं जब कोई बड़ा मुद्दा है कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव है जिसको ये पूरा कराना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल इनको अपनी प्रमोशन चाहिए इनको अपनी सैलरी के लिए फाइट डाउन करना है या ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह का टेक्नोलॉजिकल चेंज लाने के लिए फाइट डाउन करना है तो वहां पर आप इनको एक्टिवेट होते हुए देखते हैं इनमें इंटरनल यूनिटी बहुत ज्यादा तो नहीं होती मॉडरेट होती है बट एक सेल्फ एश्योरेंस जरूर होता है इन्हें पता होता है कि वी हैव द पावर एंड वी कैन यूज इट फॉर आर बेनिफिट कुछ और बातों के बारे में बात करते हैं इस ग्रुप के बारे में तो इन टर्म्स ऑफ यूनियन एक्टिविटीज दे आर एक्टिविटी इन एक्टिविटी साइकिल्स अब यहां पर एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि ये वाला जो ग्रुप होता है ये टाइम टू टाइम एक्टिविटीज करता है और टाइम टू टाइम इनएक्टिव हो जाता है मतलब ये हमेशा एक्टिव ग्रुप की तरह काम नहीं करता आप इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये एक कंजर्वेटिव ग्रुप है जो कहीं ना कहीं पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बना हुआ है ये आप ऐसे नजर नहीं आता तो ये टाइम टू टाइम एक्टिव हो जाते हैं जब इनको किसी रिक्वायरमेंट किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा कराना है वरना डिजोल्व हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये ग्रुप एग्जिस्ट भी करता था दे आर कोऑपरेटिवली ओरिएंटेड मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर टाइम ये मैनेजमेंट के ही तरफ होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ज्यादातर केसेस में मैनेजमेंट को भी पता होता है कि अगर आप किस ग्रुप से पंगा लोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है तो so इसलिए इनका कोऑपरेशन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मैनेजमेंट के साथ नजर आएगा दस्ट एटीट्यूड टूवर्ड्स मैनेजमेंट ओनली हाईली स्पेसिफिक गोल्स आर सॉट बाय द ग्रुप में जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जब कोई ऐसा गोल है जिसको ये पूरा करना चाहते हैं तो एक साथ ये इकट्ठे हो जाते हैं एक्टिव हो जाते हैं और मैनेजमेंट के अगेंस्ट काफी इनका नेगेटिव बिहेवियर आपको देखने को मिलता है Informal groups. न असिस्ट फॉर्मल ग्रुप्स इन सोल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनकी एक और खास बात यह होती है कि जब भी ये मैनेजमेंट के अगेंस्ट होते हैं कि दोनों तरह के ग्रुप्स को यूज कर लेते हैं जो फॉर्मल ग्रुप एग्जिस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन में उसको भी इस्तेमाल करते हैं प्लस जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं उनको भी यूज करते हैं अगेंस्ट द मैनेजमेंट और यहां पर जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं उनको डिलिब्रेटली बनाया जाता है ताकि वो मैनेजमेंट के अगेंस्ट काम कर सके मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सके मैनेजमेंट को वीक कर सके ताकि इनकी डिमांड मांगनी जा सके तो ये वो चार तरह के कॉलेज क्लासिफिकेशन थे जो सेल्स ने बताए थे जो प्रेशर टैक्टिक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं आई होप आपको ये टॉपिक सारा समझ में आ गया हो थैंक्स फॉर वाचिंग इफ यू रियली लाइक माय कंटेंट डू लाइक डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर स्टूडेंट्स आल्सो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर मैं सारा अपनी पीडीएफ और अपने रिसोर्सेज को शेयर कर देता हूं अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी